वेलकम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर CITS के रिगार्डिंग। तो जिस हिसाब से लोगों की क्वेरी आई हुई है, ज़्यादातर लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो CITS में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएं, तो आज मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ अगर किसी कंडीशन में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो तब आपको क्या करना है, तो उसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आप सबके लिए होने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आपका नाम, आपने काउंसलिंग कराई और आपका नाम आया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें ताकि बाद में वहाँ पर पहुँचने में आपको कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पे हम आपको एक लिस्ट बता रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। और अगर आप पे कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाए हैं किसी भी कंडीशन में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, उसमें पहले तो होगा आपका, आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ था वो भी आपके पास होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये होना चाहिए। अच्छी बात है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, बट आपका जो एडमिट कार्ड है, जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आता है, वो अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जब आपका रिजल्ट आया हुआ था, तो रिजल्ट में आपको जो भी आपने काउंसलिंग कराई और आपको इंस्टीट्यूट अलाट हुआ, या फिर नॉर्मली जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के मार्क्स आते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद काउंसलिंग के बाद जब आपको इंस्टीट्यूट अलाट होता है, तो उसका भी आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। यानी कि आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट और आपको अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट, इन सभी का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है। उसके बाद 10th 12th अगर आपने कर रखी तो उसकी मार्कशीट के फोटो कापीज, और अगर आपने ITI डिप्लोमा BTech किया है तो उसकी आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है, अगर आप अपेयरिंग में हैं, या फिर कहीं मार्कशीट तो है बट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन कंडीशन में हम आपको बताएंगे लास्ट में। तो फिलहाल अगर आपके पास है तो आपके पास ये होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन यानी कि OBC SC ST से आते हैं, तो आपके पास OBC SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैक्सिमम कंडीशन में सेंटर लेवल का होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों के पास स्टेट लेवल का तो ऑलरेडी रहता ही है कास्ट सर्टिफिकेट, बट जो बहुत से NSTI हैं जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई, तो वहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन में जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ही मांगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का एडमिशन ही नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास अगर सेंट्रल लेवल का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का ही, तो आप लगा सकते हैं और उनसे आप डेट मांग सकते हैं कि आप कुछ 15-20 दिन में आप वो सबमिट कर देंगे, तो आप किसी भी माध्यम से वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड, अगर आपने कोटा आपको लगाया हुआ है EWS फ्रीडम फाइटर, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास तो मैंडेटरी होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोटे से एडमिशन ले रहे हो तो उस कंडीशन में अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं। उसके बाद फ्रेंड, हर जगह पे मांगते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट, तो फिटनेस सर्टिफिकेट आप कोई भी MBBS डॉक्टर हो आपके एरिया का, गवर्नमेंट्स में या प्राइवेट्स में, तो वहां से आप फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, बट उसको फिटनेस सर्टिफिकेट बोलना ही सही है, वो भी आपको बनवा लेना है। उसके साथ ही साथ में एक नोटरी बनती है, तो नोटरी भी आपकी रेडी हो तो अच्छी बात है, बट नोटरी का प्रोफार्मा क्या होता है, ये लोगों को दिक्कत होती है, तो बेसिकली आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपको एडमिशन तो लेना ही है, तो उस कंडीशन में अगर आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी लिख देते हो कि सर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, जैसे कि मार्कशीट मेरी खो गई है या अभी रिजल्ट आना बाकी है, या रिजल्ट आएगा तो हम जमा कर देंगे, तो अगर उस बात को भी अगर आप मेंशन कर देते हो तो वहां पर आपके चांस बन जाते हैं कि आपका एडमिशन तो ले ही लिया जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपका ITI डिप्लोमा BTech अपियरिंग है, तो आप ये कर सकते हो कि वहां पर एडमिशन लेने जाओगे तो आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो आपको एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी कि अगर आपका कोई बैक आता है, आप ही खुद लिखोगे एप्लीकेशन, उसमें कहा जाएगा कि अगर आपसे लिखवाया जाएगा कि अगर आपकी बैक आती है या आपका रिजल्ट में कुछ भी होता है, गलती कुछ पाई जाती है, तो हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही अगर रिजल्ट आ जाता है, अगर हम पास हैं, तो हम आपको अपनी मार्कशीट सबमिट कर देंगे। तो ये हो गया जब हमारा रिजल्ट नहीं आया है। अगर हमारा रिजल्ट आ चुका है बट हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, तो आप प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हो, तो उसमें आपकी बात बन जाएगी। तो यहाँ पर, या फिर आपकी मार्कशीट खो गई है, आपके पास फोटो कॉपी तो है पर ओरिजिनल नहीं है,
उस कंडीशन में अगर आप ये चाहो तो नोटरी में आप इसको मेंशन कर सकते हो ताकि आपकी कोई जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। अगर आपके मास्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नोटरी में मेंशन कर देना, तो यहाँ पर आपको आसानी हो सकती है। तो अगर आप लखनऊ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके सहूलियत के लिए मैं बता दूं, लखनऊ गवर्नमेंट IIoT में, तो अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आ जाइएगा। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, नीरा हॉस्पिटल, वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाता है आसानी से। तो आपका 200 रुपये चार्ज होगा, वहाँ पे बन जाएगा। और अगर आपको नोटरी की दिक्कत है तो नोटरी भी कहीं ना कहीं आप वहाँ से जो एडवोकेट आप ढूंढोगे वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपकी नोटरी भी बन सकती है। या फिर पास में यहाँ पर कैसरबाग जो तहसील है, कचहरी है, तो वहाँ पर भी जाके आप अपनी नोटरी बनवा सकते हैं। तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं होगा तब पर भी आप आ जाइएगा, तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा। आप लोगों से पूछ लीजिएगा रास्ता, अगर आप अदर स्टेट्स के हो तो यहाँ पर आपका ये काम हो जाएगा। तो फ्रेंड कुछ ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ हमें बताइएगा। अगर आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट माध्यम में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है जो क्यों नहीं उसे दूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।